मिला, एक ना एक दिन तो मिलेगा। और ये ग्रेटर तिपरा लैंड हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर का डिमांड नहीं है, ये डिमांड हमारे दिल के अंदर है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे ही राज्य में हमको अपने भाषा में एग्जाम्स लिखना नहीं दिया जाता है, हमारे ही राज्य में हमारा बेइज्जती होता है, हमारे राज्य में हमें गरीब रखा जाता है। तो ये डिमांड रहेगा। और जो जनजाति मोर्चा का लीडर है उनको बोलिए कि हम ये जो फाइट डिमांड, ये जो हमारा डिमांड है वो सिर्फ एक पार्टी का डिमांड नहीं है, पूरा कम्युनिटी का डिमांड है। महाराज एक नुमर है कि मोथा बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसा कुछ है? अगर र्यूमर है तो र्यूमर को सच बनाओ, हमारा डिमांड को पूरा करो, हम जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो हम देखेंगे। महाराज कुछ लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया? अरे जाने दो ना, पैसे के लिए गया, मैंने कल बात किया जो गए थे, मैंने कल बात किया, बोला बुबाग्रा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरा मजबूरी है, तो जाओ मजबूरी से जाओ, कल जब आपका बेटा नौकरी करेगा और गाली खाएगा और थप्पड़ खाएगा तब वही लीडर इलेक्शन के पहले वापस आएगा और बोलेगा बुबाग्रा गलती हो गया। जिनको टिकट नहीं मिला वो गए, जिनको पैसा चाहिए वो जा रहे, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना लोगों को धोखा नहीं देंगे, विदाउट कंडीशन मैं नहीं जाने वाला। और मैंने उस दिन सुना मंच में शुक्ला बैठा है, मंच में आईपीएफटी का लीडर बैठा है और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहा है तिपरा लैंड नहीं मिलेगा, हमको तो शर्म लगता है। यही बात एनसी देव वर्मा के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता बोलने का, मेवाड़ के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता, आज ये लोग हिम्मत से बोल रहे हैं। आईपीएफटी को भी समझना चाहिए, अपना कोर आइडियोलॉजी से कभी ना हटो। बीजेपी ने मंदिर का आइडियोलॉजी से कभी नहीं हटा, कश्मीर का आइडियोलॉजी नहीं हटा, इसके लिए आज पावर में। जिस दिन आप अपना कोर आइडियोलॉजी से हट जाओगे उस दिन आपका काउंटडाउन खत्म होने के लिए शुरू हो जाएगा। हम भाई